नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। दरभंगा के अली अशरफ फातमी अब जेडीयू से नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। सर, आप जेडीयू में जाने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये तो फैसला बहुत पहले हो गया था जब मैं नीतीश कुमार जी से 3 मरतबा कम से कम मिला और उनकी बातें सुनी। उनके जो उन्होंने काम किया बिहार के लिए, बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, एग्रीकल्चर हो, या जो गरीब तबके के लोग हैं, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अकलियत के लोग, ऊंची जाति के लोग, महिलाओं के लिए जो बड़े बड़े काम किए हैं वो सराहनीय है। उसको लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए मैं उनके साथ काम करूंगा और उनके किए हुए कामों को बताऊंगा और जो और मुमकिन है उसके लिए भी मैं लोगों से बात करके नीतीश जी से बताऊंगा, वो उसको आगे बढ़ाएंगे उन कामों को। कब शामिल होइएगा आप? ये डिपेंड करता है नीतीश जी पर। दो तरह से हो सकता है, एक तो ज्वाइन कर लेंगे या फिर जो प्रपोज रैली है दरभंगा में, बड़ी रैली है, उसके अंदर। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, क्या लालू यादव ने महाराष्ट्र? अब ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन 15 साल में नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से माइनॉरिटीज के लिए बहुत कुछ किया। हाँ, दरभंगा बेल्ट में आपकी काफी पकड़ मानी जाती है, तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या लालू यादव ने माइनॉरिटी के नाम पर आपका इस्तेमाल किया? नहीं नहीं, इस्तेमाल कहाँ होता है कोई, भाई एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, काम करता है। अब मैं महसूस करता हूँ आज की स्थिति में कि माइनॉरिटीज के लिए नीतीश कुमार बिहार में बेस्ट हैं और मुझे उनके साथ काम करना चाहिए। जब लालू जी के साथ था वो हमारे लिए बेस्ट होते थे, लेकिन आज जो काम नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया मैं उससे मुतासर हूँ और उनके साथ काम। एक सवाल ये है कि ये जो आरजेडी है तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व करें, क्या उनके नेतृत्व क्षमता पर कोई सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मुझे उनके पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो उनको हैंडल करना है। अब वो किस तरह से अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं, अब वो नहीं है पटना में, बाहर बाहर है, इससे नुकसान तो उनकी पार्टी को होगा। आरजेडी के कोई और विधायक भी आने वाले हैं? चलिए, ये थे अली अशरफ फातमी, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में वो जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। वक्त और तारीख नीतीश कुमार हिदायत करेंगे।